मथुरा में 3 दिन पूर्व बोर्ड परीक्षा देने गए छात्र का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल गोवर्धन तहसील के अंतर्गत एक छात्र सुबह की पाली में अपना पेपर देने के लिए घर से निकला था। रास्ते में उसकी गाड़ी की रफ्तार तेज होने के कारण वह अनियंत्रित होकर लालपुर नहर में जा गिरी थी, जिसकी जानकारी प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को ढूंढने की काफी कोशिश की थी, मगर छात्र का कोई भी अता पता नहीं लगा था, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी कि घटना स्थल से कुछ दूरी पर नहर की पटरी पर युवक की लाश पड़ी है। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, आगे की कार्रवाई में जुट गई। आज शाम को परिजनों द्वारा सूचना दी गई कि बच्चा जो गुम था दिनांक 22 तारीख से, उसकी डेड बॉडी नदी में तैरती हुई मिली है। उसी की सूचना पर आज पुलिस ने लाश को बाहर निकाल कर PM कराया। इस संबंध में दिनांक 22 तारीख को परिवारजनों को तहरीर देने के अनुसार मुकदमा पंजीकृत किया गया था 363 का, जिसमें कि बच्चा जनता इंटर कॉलेज पढ़ता है मगौरा थाना क्षेत्र के अंदर, पेपर देने निकला था। रास्ते में आगरा कैनाल के किनारे पर एक उसकी मोटरसाइकिल लावारिस हालत में मिली थी, और उसी के बाद से उसकी आगरा कैनाल के अंदर उसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन उसकी बॉडी अभी तक बरामद नहीं हुई थी। वो आज शाम को बरामद कर ली गई है।